नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी फैक्टर में। इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले K7 कबड्डी स्टेज अप का जो अगला मुकाबला होगा जो कि होगा मैच नंबर 31 और आज के दिन का मैच नंबर 3 जो खेला जाएगा फ्रेंड्स अमित अशोक एकेडमी वर्सेस नरवाल कबड्डी स्पोर्ट्स एकेडमी के बीच में, इसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे एक स्मॉल लीग की प्राइम टीम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रैंड लीग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट और की प्लेयर रहेंगे उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, प्लस दोनों टीमों को कंपेयर करके भी देखेंगे कि कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी टीम वीक है, कौन से टीम से आपको कौन से प्लेयरों को पिक करना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कुछ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एनालिसिस करके देखेंगे कि ग्रैंड लीग में फ्रेंड्स आप लोगों को किस तरीके से कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, तो वीडियो में आपको बहुत सारी यहाँ पे जानकारी इस मैच के रिगार्डिंग में देने वाला हूं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से वॉच करिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक करके आप लोग हमें जरूर से सपोर्ट कर सकते हो। बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आज का रिजल्ट रहा, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर चेक करोगे फ्रेंड्स, तो दोनों के दोनों जो मैच हुए मॉर्निंग के हम लोगों ने अल्ट्रा क्लेमशिप के, जिसके प्रूफ आप लोग टेलीग्राम पर आके चेक कर सकते हो। ठीक है, दोनों के दोनों जो मुकाबले थे फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे भाई लोग बहुत अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आके उनका सपोर्ट भी देख सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग देखोगे तो बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो अच्छे तरीके से बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे ग्रैंड लीग हो चाहे स्मॉल लीग हो, दोनों की दोनों टीम हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ग्रैंड लीग में फ्रेंड्स आज मॉर्निंग के मुकाबले में हमारी 13 रैंक रही थी और फ्रेंड्स स्मॉल लीग आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोग विन कर रहे हैं और किस प्रकार के अमाउंट हम लोग यहाँ पे विन कर रहे हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, वन साइडेड चल रहे फ्रेंड्स, आप लोग आके चेक कर सकते हो सारे के सारे मुकाबले, कल के भी देख सकते हो, परसों के भी देख सकते हो, और इससे पहले जो पूल ए के मुकाबले हुए थे 20 मुकाबले जिसमें फ्रेंड्स हम लोगों ने 15 प्लस क्लीन स्वीप किए थे, उसका प्रूफ भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ओवरऑल रैंक भी देखोगे हमारी तो फ्रेंड्स यहाँ पे 32 रैंक अभी चल रही है। उम्मीद करूंगा ये रैंक आज के दिन में और ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगी, टॉप 20 तक ये रैंक आज के दिन में मुझे लगता है कि पहुंच जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग आके सारे के सारे प्रूफ देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाके सर्च भी आप लोग कर सकते हो @fantasyfactor। 4500 से ज़्यादा मेंबर्स आपको फ्रेंड्स इस ग्रुप में मिल जाएंगे, तो फ्रेंड्स आपको यही वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जुड़ोगे टेलीग्राम पर भी। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स सिंपली इस मुकाबले की। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ट्रिपल ए एकेडमी की। ठीक है, तो ट्रिपल ए एकेडमी की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स चार मुकाबले इन्होंने अभी तक इस सीजन में खेले हैं, चार के चार मुकाबले खेल के अभी तक नंबर वन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है यहाँ पे ट्रिपल ए की टीम, खासकर जो इनका डिफेंस और जो इनका रेडिंग डिपार्टमेंट है बहुत ज़बरदस्त है। इनके पास फ्रेंड्स K7 क्वालिफायर के जो टॉप टू रेडर थे वो इनके पास अवेलेबल है। दूसरे नंबर के जो रेडर हैं यहाँ पे आसू मलिक, वो फ्रेंड्स K7 क्वालिफायर में भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मतलब यहाँ पे रेड करते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बात करूँगा फ्रेंड्स यहाँ पे नरवाल कबड्डी स्पोर्ट्स एकेडमी की, तो चार मुकाबले इन्होंने भी खेले बट इन्होंने दो मुकाबले विन किए हैं, दो मुकाबले हारे हैं। ठीक है, तो इन्होंने फ्रेंड्स हारे क्यों हैं, इनके हार का कारण क्या है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो इनके जो मेन रेडर है फ्रेंड्स मंजीत, वो इंजर्ड हो गए थे दूसरे वाले मुकाबले में, जब DNH फाउंडेशन के सामने इनका मुकाबला था उस टाइम फ्रेंड्स इनके एंकल को होल्ड उनके एंकल को होल्ड किया गया था, जिस वजह से फ्रेंड्स उनके एंकल में इंजरी वगैरह आ गई थी, जिस वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे सही से। तो हो सकता है कि फ्रेंड्स दो मैच इन्होंने खेले नहीं उसके बाद, तो हो सकता है आज के मैच में शायद से उनकी इंजरी सही हो गई होगी, तो आज के मैच में आपको वो खेलते हुए भी दिख सकते हैं। ठीक है, एक चांसेस है, तो फ्रेंड्स लाइनअप आने के बाद ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, मैक्सिमम जो प्लेयर आपको पिक करने हैं वो करने ट्रिपल ए एकेडमी की तरफ से, यानी कि चार से पांच प्लेयर आप लोग लीजिए ट्रिपल ए एकेडमी की तरफ से, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग लीजिए और नरवाल कबड्डी स्पोर्ट्स एकेडमी से सिर्फ दो से तीन ही प्लेयर आपको पिक करने, मैं तो कहूँगा कि दो ही प्लेयर आप लोग पिक करना, क्योंकि इनकी तरफ से फ्रेंड्स ना ही इनके जो रेडर है यहाँ पे मनीष गुलिया ना ही चल रहे, थोड़ा बहुत नितिन कुमार चल रहे, नितिन कुमार ने लास्ट के मैच में सुपर 10 लगाया, तो नितिन कुमार थोड़ा सा अच्छे परफॉर्मेंस करे तो नितिन कुमार को आप लोग यहाँ से ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में रणदीप है, रणदीप को आप लोग पिक कर सकते हो। मंजीत अगर खेलेंगे, जिनकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे देख सकते हो दूसरे वाले मुकाबले में DNH फाउंडेशन के सामने फ्रेंड्स इनको इंजरी आ गई थी, उसके बाद ये कंटिन्यू दो मुकाबले नहीं खेले, तो हो सकता है कि इनकी इंजरी वगैरह सही हो गई होगी। अभी तक फ्रेंड्स कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, खेलेंगे तो डेफिनेटली इनकी जगह पे हम लोग इनको पिक कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे रेडिंग से, तो रेडिंग में हम लोगों ने आसू मलिक को लिया, ज़्यादा आपको इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देख सकते हो लास्ट के मुकाबले में जो मॉर्निंग में हुआ था उसमें भी 18 यहाँ पे टोटल पॉइंट इन्होंने रेड से किया, 6 इनके बोनस भी है एंड 2 सक्सेसफुल टैकल एंड 1 सुपर टैकल ऑल्सो, यानी कि एक प्योर ऑलराउंडर की यहाँ पे भूमिका निभाई थी मॉर्निंग के मुकाबले में, काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर आप लोगों के लिए यहाँ पे आसू मलिक हो जाते हैं। बात करेंगे फ्रेंड्स इससे पहले भी इन्होंने 8 रेड लगाए थे, उससे पहले भी देख सकते हो यहाँ पे सुपर 10 लगाए, 13 रेड मारे हैं। ठीक है, और उससे पहले फर्स्ट मुकाबले में भी 15 रेड मारे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स
तीन मैचों में यहाँ पे कंटिन्यू सुपर 10 लगा चुके हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, प्लस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच के लिए होने वाले आसू मलिक, तो आसू मलिक को आप लोगों को पिक कर लेना। अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे नितिन कुमार की, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आप लोग को और ग्रैंडिक के बारे में अभी समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। बहुत ग्रेट चीज़ें मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। लास्ट के मैच में फ्रेंड्स सुपर 10 लगाते हुए 13 रेड यहाँ पे लगाए, उससे पहले भी बात करूँ तो दो मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किया, उससे पहले भी 9 रेड लगा चुके हैं, तो वाइस कैप्टनसी के लिए एक जबरदस्त चॉइस है। अब मैं ग्रैंडिक के बारे में आपको बताऊँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो और ऑप्शन अवेलेबल है ना, देख सकते हो लास्ट के मुकाबले में फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रिपल ए ने रविश रणवीर को सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। 5 रेड इन्होंने टोटल किए थे और 2 इन्होंने रेड बोनस लाए थे। क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ट्रिपल ए कंटिन्यू 4 मुकाबले विन कर चुकी, तो यहाँ पे आसू मलिक जैसे प्लेयरों को जो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इन्हें रेस्ट दिया जा सकता है, ऐसा पूल ए के मैचों में हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी पूल ए में फ्रेंड्स जो भी टीम ने कंटिन्यू मुकाबले विन किए 3-4 मुकाबले, तो उन्होंने अपने मेन मेन प्लेयरों को रेस्ट दे दिया था। आज का मुकाबला भी आपको याद होगा प्रतीक दहिया को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, वही चीज़ हो सकता है कि आसू मलिक को भी रेस्ट दिया जाए या फिर सब्स्टिट्यूट इन्हें किया जाए। तो ग्रैंडिंग में आप लोग आसू मलिक को छोड़कर यहाँ पर रविश रणवीर को पिक कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एक आठ कॉम्बिनेशन अपनी टीम में बना के चलना, यही टीम फ्रेंड्स आप लोगों को मुझे लगता है कि ग्रैंडिंग भी विन करा सकती है, तो ग्रैंडिंग में आपको ये चीज़ जरूर से करना है, ठीक है। मनीष गुलिया की बात करूँ तो लगातार फ्लॉप चल रही है, स्मॉल लीग में तो लेने का मतलब ही नहीं बनता, ग्रैंडिंग में एक आठ टीम में हाँ इनको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो देख सकते हो अंकित के साथ मैं गया हूँ। अंकित की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स वैसे इस टीम के सेकंड मेन रेडर भी हैं और यहाँ पे डिफेंस में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लास्ट के मैच की बात करूँ तो 1 सक्सेसफुल टैकल इन्होंने किया था और 8 रेड भी इन्होंने किए थे। इससे पहले की बात करूँ तो फ्रेंड्स 2 रेड और 2 टैकल इन्होंने किए, तो हर मैच फ्रेंड्स यहाँ पे रेड भी कर रहे हैं, टैकल भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए अंकित भी हो जाएंगे, इनको भी आप लोग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। इन केस यहाँ पे आसू मलिक को रेस्ट दिया जा सकता है, तो उस केस में फ्रेंड्स यहाँ पे अंकित को क्या है कि यहाँ पे एज ए मैन लीड और यहाँ पे रेड करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से उस केस में यहाँ पे अंकित मेन लीड करेंगे टीम को रेडिंग से, ठीक है। तो फ्रेंड्स और K7 क्वालिफायर में अंकित का रिकॉर्ड भी अच्छा खासा है, तो इनको आप लोग उस टाइम पे कैप्टनसी जरूर दे सकते हो। दूसरे ऑलराउंडर के रूप में मैंने यहाँ पे रणदीप को पिक किया। रणदीप की बात करो फ्रेंड्स ठीक ठाक ये ऑलराउंडर है, जब भी खेला है तो देख सकते हो अच्छा परफॉर्मेंस किया। लास्ट के मैच में 4 टैकल, उससे पहले फ्रेंड्स देख सकते हो 5 टैकल किए, यानी कि लास्ट के 2 मैचों में फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 9 टैकल कर चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट रणदीप भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इनकी जगह पर मंजीत खेलेंगे तो मंजीत को भी आप लोग पिक कर सकते हो। दोनों साइड से रेड करते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रेडर है। पहला मुकाबला आपको याद होगा ही जहाँ फ्रेंड्स इन्होंने 18 टोटल रेड किए थे और 3 बोनस पॉइंट भी लेके आए, यानी कि डबल सुपर 10 इन्होंने पहले ही मुकाबले में मारा था। इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे मंजीत अगर खेलेंगे तो, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कोई प्लेयर वैसे है नहीं जिसके बारे में आपको बताऊं, कोई खेलेगा तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को आप लोग अभी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बात करेंगे यहाँ पर डिफेंस में, तो डिफेंस में तीनों डिफेंडरों को ट्रिपल ए की तरफ से पिक किया, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पे NKSA के जो डिफेंडर है ना वो कुछ खास नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे अभी ट्रिपल ए के डिफेंडरों के साथ ही जाना, ठीक है। पहला नाम आता फ्रेंड्स यहाँ पे एम राजेश का। राजेश की बात करूँ फ्रेंड्स लास्ट के मुकाबले में भी आप लोगों ने देखा कि 1 सक्सेसफुल टैकल, उससे पहले फ्रेंड्स 9 सक्सेसफुल टैकल एंड उससे पहले देख सकते हो 5 सक्सेसफुल टैकल यहाँ पे किए हैं, तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे राजेश का रह रहा, तो राजेश भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बात करूंगा फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे जो हमारे यहाँ पे डिफेंडर है रौनक कुलदीप की बात करूँ तो लास्ट के मैच फ्रेंड्स 4 टैकल प्लस 1 सुपर टैकल, उससे पहले 2 टैकल और उससे पहले भी आप लोगों ने देखा अच्छे तरीके से 2 टैकल 1 सुपर टैकल, और फर्स्ट मुकाबले में इस बंदे ने ना आप लोग देखिए 7 टैकल किए हैं, तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। इस बार फ्रेंड्स बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पे रौनक कुलदीप और लेस क्रेडिट में भी अवेलेबल है, वैसे क्रेडिट का तो इश्यू आपको इस मैच में नहीं आने वाला, फिर भी यहाँ पे देख सकते हो काफी कम क्रेडिट इनका यहाँ पे है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे तीसरे डिफेंडर हैं यहाँ पे अक्षय कुमार के, तो अक्षय कुमार भाई अभी पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे, लास्ट के मैच में सिर्फ 1 ही टैकल किया था, उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे बात करूँ तो 3 सक्सेसफुल टैकल, उससे पहले देख सकते हो 3 टैकल एंड फर्स्ट वाले मुकाबले में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस किया था जहाँ पे 4 टैकल इन्होंने किए थे। इनकी जगह पे अक्षय कुमार की जगह पे मैं आपको एक ऑप्शनल यहाँ पे चॉइस दे रहा हूँ, आप लोग दे सकते हो। अगर रविश रणवीर खेलेंगे इनको ले सकते हो, ठीक है। या फिर फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हो इस टीम से थोड़ा सा नितिन देसवाल अच्छे हैं जिन्होंने पहले मैच में 5 टैकल किए थे, इनको आप लोग यहाँ पे पिक कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे एक और नरवाल ऑप्शन है, इन्होंने भी पहले मुकाबले में यहाँ पे 6 सक्सेसफुल टैकल किए हैं, तो इनको अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो इनको आप लोग पिक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है राजेश ने लास्ट के मुकाबले में आप लोग देखोगे तो फ्रेंड्स 4 सक्सेसफुल टैकल एंड 2 सुपर टैकल यहाँ पे किए, तो राजेश को आप लोग ले सकते हो, बहुत अच्छी चॉइस यहाँ पे राजेश मेरे हिसाब से हो जाएंगे आप लोग के लिए इस मैच के लिए। सिलेक्शन में देख सकते हो सिर्फ 5% है और बहुत अच्छी चॉइस मेरे हिसाब से यहाँ पे है अक्षय कुमार की जगह, राजेश को हम लोग अभी पिक कर लेते हैं। दीपक भी आपके पास एक अच्छी खासी चॉइस है, दीपक की बात करूँ लास्ट के मुकाबले में 2 टैकल किए हैं, उससे पहले भी फ्रेंड्स यहाँ पे 2 टैकल, तो एक एक दो दो टैकल हर मुकाबले में यहाँ पे दीपक भी कर लेते हैं, तो ग्रैंडिंग में आप लोग एक आठ टीम में दीपक को भी ट्राई कर सकते हो। एक और प्लेयर यहाँ पे अवेलेबल है मोनू रणधीर, फ्रेंड्स कुछ खास अभी तक नहीं कर पाए हैं,
तो इनको आप लोग सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करना। आज के टीम में मुझे लगता है कहीं ना कहीं नए नए प्लेयरों को आपको देखने को मौका मिल सकता है, क्योंकि चार चार मैच ऑलरेडी टीम खेल चुकी है, तो अपने जो कुछ प्लेयर है उन्हें रेस्ट देके अपने बैंक यहाँ पे बेंच को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की। तो आसू मलिक को कैप्टेंसी, नितिन कुमार को मैंने अभी वाइस कैप्टेंसी दी है। आपके पास और दूसरा जो ऑप्शन बचता है अंकित को आप लोग यहाँ पे वाइस कैप्टेंसी दे सकते हो। ऑलराउंड और यहाँ पे डिफेंस में देना चाहो तो यहाँ पे रौनक कुलदीप को आप लोग दे सकते हो, जिनका फॉर्म अच्छा चल रहा। राजेश भी अच्छे खासे प्लेयर हैं, अच्छा डिफेंस कर लेते हैं, लेकिन लास्ट के में जो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, इसलिए मैं कहूँगा कि अगर दे रहे हो तो रौनक कुलदीप को आप लोग वाइस कैप्टेंसी दे सकते हो और अंकित को आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी की जो हमारी टीम है कुछ वो कुछ इस प्रकार से बन के आई है। उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए हो, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को इस मैच का बहुत सारा गुड लक।